इंद्री की पाल कॉलोनी में मामूली से झगड़े में एक युवक ने कुछ लोगों पर गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पर पुलिस ने लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि एक युवक जो कि इसी गली में रहता है और पहले भी उसने कई बार झगड़ा किया है, आज भी मामूली कहासुनी में उसने अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर घायल करने की कोशिश की है। गनीमत यह रही कि गोली किसी को भी नहीं लगी। लोगों ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस बारे में सभी पाल कॉलोनी वासियों ने पुलिस को शिकायत दी कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। वहीं पर जब पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक शिकायत प्राप्त हुई है, एक युवक ने गोलियां चलाकर दहशत का माहौल बनाया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है, आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं अपने घर में जी, मेरा घर देखो जी, वो सबसे लास्ट में है जी, गली के बैठे टीवी देख रहे थे जी हम जी, तो घर वाली बोली भाई आवाज आई भाई, जय बच्चे भी रात को भी लॉकडाउन में पटाखे बजा रहे हो, दोबारा फिर फायर होया जी, फिर हम बाहर लिकट का देखा जी हमने, तो फिर हम यहाँ आए जी, सारे इकट्ठे हो रहे थे बंदे, बहू जी देखो आराम से तो रहना है जी हमने, पर डर का नहीं रहेंगे जी, हमारी सारी कॉलोनी आ रहे हो, सारी गली वालों की सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी, इस बात की गहराई से जाँच हो जी और सबको इंसाफ मिला जाए जी, छोटे बच्चे हैं जी, गली में घूमेंगे भी जी, इधर उधर जाएंगे भी जी हम काम के लिए, ऐसा है जी डर का नहीं रहना। और जात बरादरी का तो यहाँ नू रोल है भाई, हम छोटी जात के आए तो क्या होया जी, जी देखो हम आज इनके साथ होया जी, कल किसी के साथ भी हो सका जी, ये तो ऐसा है जी, इंसाफ हो जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, यही मांग है जी हमारी तो जी, लॉकडाउन का हम पूरा पालन कर रहे जी, हमारे साथ इंसाफ किया जाए जी। हाँ जी सर, मैं हम ना यहाँ खड़े थे, हमने रोटी खा के ना रात को, तो यहाँ अपने घर के बाहर खड़े थे, तो ये मेरी मासी हो रहे हैं, तो ये मेरे को दूध देने के लिए आ गई, तो हम यहाँ दो मिनट खड़े हो गए, तो इसने ना फुल डेड मतलब स्पोर्ट पी रखी थी इसने दारू फुल। ये जाट हैं जी, तो ये अपने दरवाजे के बाहर खड़ा रहा थोड़ी देर तक, तो फिर थोड़ी देर बाद ना दरवाजा बंद करके यहाँ दीवार से मेरे को कहता है वो गोपी, फिर मैंने बात इसकी इग्नोर कर दी, उसके बाद ही ना फिर मेरे को आवाजें मारी, मैंने कहा हाँ जी भाई जी क्या है, कहता तुम अपने घर नहीं बैठ सकते, मैं कहा भाई हम अपने घर के बाहर खड़े हैं, तो हम थोड़ी देर में जा रहे हैं, कहता तुम जाते ऐसे तो नहीं मानते तुम, इसने दो चार गालियाँ निकाली और फिर इसने हमारी जाति के ऊपर वो करा भी, तुम गंदी जाति के हो, तो इसके बाद फिर मैं भी बोल पड़ा भाई तू नहीं गंदी जाति का, तो ये अपनी बंदूक लेके आया, इसने चार फायर करे और मान लो मेरे को लग जाती, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं कहाँ जाता, मेरे बच्चे कहाँ जाते बताओ, इस चीज़ का जी यार, इसका ये बंदूक होनी चाहिए, जब्त होनी चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, हमें तो जान से खतरा है, कल को क्या पता, मैं रात को 10-10 बजे आता हूँ दुकान से, अब क्या पता मेरे को कब जाके बीच में रोक ले रकम मार दे। हाँ जी हम चार जने खड़े थे, मैं खड़ा था, मेरा भाई खड़ा था, ये मेरी मासी है, ये मेरे ताई जी हैं, तो हम चारों जने यहाँ खड़े थे, आपस बात कर रहे थे, इसको खुंदक पहले किया, अभी पहले हम मंदिर के पीछे रोला था हमारा, तो इसने मंदिर के पैसे देने थे वो नहीं दे रहा था, तो ये पहले भी थाने तक बात जा चुकी है, तो अब फिर मतलब कि इसको वही खुंदक थी भी इकट्ठे क्यों है, अब हम मंदिर में काम करवा रहे हैं ना, तो उस बात पे फिर ये खुंदक आता है, तो ये रात को पी के हर रोज डेली का काम है इसका, कभी बच्चों को छेड़ता है, तुम जाते नहीं अंदर, मैं तुम्हें बंदूक मारूंगा, कभी लठ मारूंगा, तो ये इसका हर रोज का काम है, रोज दारू पीता है, कहता मैं किसी के बाप की नहीं दारू पीता, मैं पीऊंगा ऐसे ही पीऊंगा, ऐसे ही बोलूंगा। इसका नाम वरिंदर चहल है जी, जाट है ये, पहले बीपुर रहते थे, अब ये यहाँ आ गए हैं। सारे ने मैंने कहा भी हम अपने बाहर आगे खड़े जी, तो उन्होंने कह रहे उनको बाहर आगे खड़े, उनको घर नहीं है तैयार, बाहर नहीं है तैयार। मैं फिर इसने गाली दी, दो तीन गालियां दी, बच्चा बोल पड़िया, फिर बच्चे बोलने से फिर पीछे इसने लाइट बंद करके अंदर से जाके रोल वेल निकाला, निकाल के फिर इन्हें चार फाइल करे जी, चार फाइल करका फिर इसने गालियाँ बहुत बकिया जी, बहुत ज़्यादा, फिर इन्हें बंदे बाहर के बुलाए जी, भी देखो हमारे बच्चों को तो देखो जी खतरा है, मेरे बच्चे भी जाते हैं, इनके भी जाते हैं सारे, कल्ला भी कहीं घेर के खड़ा हो जाएगा तो हम कहाँ से लेंगे, भी इनका डैडी सिर पे नहीं है, भी ये कहाँ से, मैंने पता कैसे कैसे पाले हैं, कैसे कैसे वो करे हैं, तो इस योग एक गली का मेंबर बड़ा बन रहा, भी ये हमारे एक जूत के नीचे रहेंगे, भी हम नहीं रह सकते, हम किसी के घर से खान नहीं जाते, हम किसी के घर मांगन नहीं इसके जाते, भी ये बहुत चौधरी बन रहा है, भी हम गरीब हैं तो अपने घर में, ये तगड़ा है तो अपने घर में। बाहर से कितने आदमी बुलाए जी? बाहर 10-12 जने बुलाए थे जी भाई, बाहर लॉकडाउन लग रहा है जी, कौन आता है किसी के घर, ऐसे कोई नहीं आता। तो इंटे भी मारी इसने? हाँ इंटे आगे से वांटे पीड़ी, वो देखो गेट के आगे इंटा पड़ी, हमारे एक बंदे को मेरे देवर को इंट भी लगी है बाजू पे। हाँ अब हम यहाँ ऐसे कहाँ सकता, कहाँ तक डर के अंदर बढ़ेंगे जी,
यहाँ तो सानो इस तो गड़ी नहीं, यहाँ तो हमारा भी यहाँ से बर्तन उठवा दो तो ये मकान इसी के दुआ दो, यो हमारे को पैसा दे देगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। भी हम इसके जूत के नीचे इसके डर के मारे भी यहाँ बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर तो निकलेंगे जी। हम काम पे भी बच्चे भेजने हैं, खाने को भी हमने चाहिए, भी क्या चीज़ नहीं चाहिए हमको। इसने तो खादी कर दी, इसने तो पानी पुलों के ऊपर तो पानी काट दिया हमारे पास, हमारे को तो बोलने वास्ते भी नहीं छोड़ दिया इसने। कहाँ तक हम डर के रहेंगे अंदर। होना कि इतने बैठे खड़े सा तो मैं इन्होंने दुध देना आई सा, तो ना भी मुंडे ने कहता तुम घर नहीं बैठ सकते, भी हाँ क्यों खड़े हो, इन्हें आख्या मुझे बारक में अगे खड़े हाँ तो भी अपने बार में बैठे हाँ, तो आंदा ना यहाँ नहीं खड़े खड़ोना तो घर अपने चलो, तो इन्हें जा अंदर जाके गल बंदू कहीं कट के दो चार फैल किए होर साड़ी जान खतरा, साढ़े मुंडे बहर अंदर जाते सन तो आप खतरा आए दिन। हाँ मौके तो चार जने खड़े हाँ, एक हमारी पाल कलोनी है फूसगढ़ में पड़ती है, उनका सामने एक पड़ोसी है वीरेंद्र चहल, रात को उसने अपने बेड़े में खड़े होकर दो तीन हवाई फायर किए हैं, ये अभी कंप्लेंट प्राप्त हुई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धि भी चलाई है कुछ कह रहे हैं नहीं हवाई फैरी है तो क्या कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। उससे पहले भी उनका कोई झगड़ा हुआ था जी? पहले कोई कहा सुनी हुई थोड़ी बहुत आपस में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.